दोस्तों, सोशल मीडिया के इस दौर में सकारात्मक खबरें बहुत धीमे धीमे फैलती हैं और नकारात्मकता इतनी तेजी से फैलती है कि इसके आगे शायद जंगल की आग भी शर्मा जाएगी। वीडियो एक देखा दोस्तों हमने, जहां पर एक फार्म है, खेत है या क्या है पता नहीं, और उसमें टमाटर लगा हुआ है और एक स्नेक है जो रह रहकर उस पर काट रहा है। और बहुत सारी ऐसी रील्स हमको देखने को मिल गई इसी से संबंधित, जहां ये चेतावनी दी जा रही है अमित के सब्जी खरीदने से पहले ध्यान दें, छेद वाले टमाटर ना खरीदें, क्योंकि सांप आता है और ऐसे टमाटरों में, ऐसी सब्जियों में विष डालकर चला जाता है बिना पूरी जानकारी के, बिना पूरे वीडियो को ध्यान से देखे। क्योंकि आपने, हमने और जो भी सर्पों के बिहेवियर को समझते होंगे, उन्होंने जैसे ही ये वीडियो देखा होगा, ऑन द फर्स्ट नोट उन्हें समझ आ गया होगा कि ये स्नेक ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा था अमित जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि टमाटर कहीं भी सांप के लिए ना तो उसका भोजन है और ना ही सांप के लिए कोई थ्रेट है, तो उस पर अटैक करना तो बनता ही नहीं है। ये पूरी तरीके से स्टेज्ड है। सांप को बहुत ज्यादा परेशान किया गया, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, और इतना ही नहीं, टमाटर के ऊपर जरूर कोई ऐसा कोई जुगाड़ लगाया गया जिससे सांप जो है टमाटर को बाइट करे। जहां तक मैंने इस वीडियो को देखा, मुझे एक और चीज नोटिस हुई कि जो खूंटा है ये स्नेक की बॉडी उसके नीचे से आ रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो इमेंस पेन के कारण वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा? बिल्कुल, ये पेन भी हो सकता है। बहुत ज्यादा तकलीफ में जब कोई जीव होता है तो अपने आसपास जो भी चीजें होती हैं, जो भी लोग होते हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं, उसको वो काटने का प्रयास करता है। खुद को भी बाइट कर लेते हैं। बिल्कुल, हमने कई बार देखा है कि जब हम किसी दर्द में दर्द से परेशान अगर सांप को हम निकालने का प्रयास करते हैं तो हमारे हुक पे भी वो बाइट कर लेता है, जबकि हुक पे बाइट करना उसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। तो वो पेन से डिराइव हो सकता है, या टमाटर में कोई ऐसी चीज या ऐसा कोई गंध लगा दिया गया हो जिससे अट्रैक्ट होके वो उसको बाइट कर ले। खैर, रीजन जो भी रहा हो, टमाटर पे बाइट करना सांप का नेचुरल बिहेवियर तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, अगर बात की जाए कि टमाटर पे बाइट हो जाए तो टमाटर पे क्या असर होगा, तो टमाटर का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी तरह तो होता नहीं, तो जहर ट्रैवल करके जो बायोलॉजिकल रिएक्शन दिखाता है इंसानी शरीर में या किसी जीव में, वो टमाटर पे नहीं दिखेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि टमाटर में छेद होने के कारण बैक्टीरियल एक्शन से टमाटर सड़ जाए, टमाटर खराब हो जाए और वो बाजार में ना आए। तीसरा एक और सवाल जो इससे रिलेटेड आ रहा था वो ये था कि अगर बाय द वे कोई इस टमाटर को खा ले तो क्या असर होगा। तो यहाँ पे ये समझना बहुत आवश्यक है कि विष, सांप का जो वेनम है वो अगर टमाटर के अंदर जाए तो वो एक्टिव नहीं रह पाएगा, वो जहर एक्टिव नहीं रह पाएगा। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति उस टमाटर को खाता भी है, तो हमने वेनम और पॉइजन के डिफरेंस को समझाया ही है, बताया ही है, तो दोबारा मैं वहाँ उस चीज़ पे नहीं आऊँगा। वेनम जो है वो एंजाइम और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, तो वो भी वैसे ही डाइजेस्ट हो जाएगा जैसे कि बाकी चीज़ें होती हैं। और टमाटर में क्योंकि वेनम एक्टिव रहेगा ही नहीं, तो वो किसी प्रकार का एक्शन जो है नहीं दिखा, संभव नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि सोशल मीडिया में जो दिखता है वैसा वास्तव में होता नहीं है, और कोई भी रील शॉर्ट आज के दौर में जनरली इसलिए ही बनाया जाता है ताकि शॉर्ट टर्म फेम जो है वो गेन किया जाए। हमने ऐसे बहुत से वीडियो देखे हैं जहाँ पे माँ अपने बच्चे को कुएं से लटका दी है ताकि शॉर्ट टर्म फेम मिल जाए। तो जब एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है, तो इंसानों का, जो तथाकथित अपने आप को इंसान कहते हैं, ऐसे इंसानों का किसी सांप को दबाकर इस तरह से कि एक एनिमेटेड वीडियो बना लेना, एनिमेटेड से मेरा मतलब यहाँ पे कार्टून जैसा जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, एक स्टेज्ड वीडियो बना लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ईजिली आप इन चीज़ों को देखें, आप जब वीडियो को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा कि ये पूरा प्री प्लान्ड वीडियो था। और अगर प्री प्लान नहीं भी था तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कि वो दब गया हो, खूंटा दबा लगाते समय वो दब गया हो एंड देन वो उस पर अटैक कर रहा हो और फिर एक फेक कहानी बना दी गई हो जो आपने और हमने देखी। तो इसी तरह के मिथ्स को बस्ट करने के लिए दोस्तों, आप सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल टीम एजियन प्रकृति और हम। जय हिंद, वंदे मातरम।